नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जातकों की 100% सत्य बातें जो आपको खुद भी मालूम नहीं होंगी। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे, शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, वीडियो पर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए तुला राशि की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुला राशि चक्र की सातवीं राशि है और ये सबसे अलग, सबसे जुदा राशि मानी जाती है। और तुला का अर्थ ही ये होता है अपने आप में संपूर्णता, खूबसूरती और संतुलन को दर्शाना, क्योंकि दोस्तों आपका स्वामी ग्रह खुद शुक्र हैं, साथ ही ये शनि की सबसे प्रिय राशि है। तो तुला राशि वाले वैसे तो ज़्यादातर देखा गया है कि औसत गत के होते हैं, चेहरा इनका अंडकार होता है, गोल होता है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी ही सुखद दिखती है, बड़ी ही सुंदर दिखती है, यानी देखने में ही जैसे मानो मन और आत्मा दोनों ही खुश हो जाएं। और देखिए, इनकी आंखों में कोई भी डूब सकता है और इनकी खासकर आंखों के किनारे के जो कोने होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं, इनके गाल थोड़े भरे हुए और इनके गालों पर ज़्यादातर देखा गया है डिम्पल पड़ते हैं। साथ ही अक्सर ऐसा भी देखा गया है तुला राशि वाले जातकों में अक्सर इनकी गर्दन हंस की तरह लंबी और खूबसूरत होती है, पतली होती है। और यदि हम इनके व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो जहाँ कहीं भी ये मौजूद होते हैं वहाँ ये आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये एकदम पॉजिटिव रहने वाले, जीवन में चीज़ों को खूबसूरती के साथ देखने वाले, दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो इनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनको खूबसूरत चीज़ों से बड़ा लगाव होता है और बुद्धिमान तो ये होते ही हैं, तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं, साथ ही ये अपने गुणों का इस्तेमाल भी बड़े अच्छे से करना जानते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके आसपास ढेर सारे लोग होते हैं, क्योंकि इनमें चुंबकीय गुण होता है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है और खुद ब खुद लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये थोड़ा सा संवेदनशील भी होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी भी ये भावनाओं को हावी होने नहीं देते। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ये एकदम नियंत्रित रहते हैं और बड़े ही न्यायप्रिय होते हैं। इनको अन्याय पसंद नहीं होता, ये रणनीति बनाने वाले होते हैं, किसी भी वाद विवाद से दूर रहते हैं। हालांकि दूसरों की विवाद सुलझाना इनको चुटकियों में आता है, इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और दूसरों की समस्याओं का बड़े अच्छे से निपटारा भी कर लेते हैं। दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, चाहे कोई इनका कितना भी दूर का गैर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ये उसकी सहायता के लिए हमेशा आगे आते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी इनसे मदद मांगे तो ये मना नहीं करते, साथ ही कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ये नहीं लेते। यदि इनके प्रेम जीवन की बात की जाए तो मित्रों, प्रेम जीवन में भी ये काफ़ी खुश मिजाज किस्म के होते हैं। अपने जीवन साथी का चुनाव ये लोग बड़े बखूबी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी इनको प्रेम के मामले में धोखा मिल जाता है। और देखिए, ज़्यादातर कोई भी निर्णय अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये जल्दबाजी में नहीं लेते। और अगर इनके शौक़ की हम बात करें तो दोस्तों, इनको वाहन का शौक़ बहुत होता है, बागवानी का शौक़ होता है, साथ ही ये नई जगह की यात्रा करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। गीत संगीत, कला, इन सभी चीज़ों में इनकी काफ़ी रुचि होती है। खेल कूद में, जैसा कि कभी कभी ये अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि लोग खुश तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी इनमें नुक्स भी निकाल देते हैं जिसकी वजह से ये आलोचना के शिकार हो जाते हैं। हालांकि देखिए, खुद को प्रसन्न करना तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाता, थोड़े से भावुक हो जाते हैं और इनकी इसी भावुकता का फ़ायदा उठाकर अक्सर लोग इनके करीब होते हैं, वो इनको धोखा दे जाते हैं। देखा गया है कि इनको प्रेम के मामले में धोखा सबसे ज़्यादा मिलता है, इनके अपने ही इनको धोखा देते हैं, फरेब करते हैं। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको संभल कर रहना चाहिए, और अधिकांश समय वैसे तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जिसकी वजह से आप विद्वानों की गिनती में आते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके शत्रु भी होते हैं, ये भी ज़्यादातर देखा गया है। वैसे तो देखिए, तुला राशि के
अगर संकट की बात करें तो अपने संकट अपनी परेशानियों का कारण भी आप खुद होते हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में आप बहुत बार खुद की ही प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, खुद को ही प्रॉब्लम में डाल देते हैं, फंस जाते हैं, उल्टा अपने लिए ही कामों को बिगाड़ लेते हैं। वैसे देखिए शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र के रंग में रहना चाहिए, क्योंकि शनि की कृपा से ही आपकी पूरी लाइफ चलती है, आपका पूरा जीवन चलता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, आपको शनिदेव की शरण में जरूर रहना चाहिए और शनि के मंत्रों का जाप भी समय समय पर करते रहना चाहिए। कम से कम दिन में आपको 27 बार या 54 बार या फिर अगर आपके पास समय है तो 108 बार शनि के मंत्र का जाप करते रहें, और यदि आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको आपके मन को शांति मिलेगी। और यदि धन की बात करें, दौलत की बात करें, दोस्तों आपके अंदर जितने भी गुण छुपे हैं इसके कारण आप चाहें कोई व्यापारी हो सकते हैं या जो भी आपको मान प्रतिष्ठा धन सब कुछ बड़े अच्छे से और बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देखिए आप बड़े बुद्धिमान हैं लेकिन थोड़े खर्चीले भी होते हैं। आपको घूमना फिरना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, महंगे शौक रखना, अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे परफ्यूम लगाना आपको काफ़ी पसंद होता है, और इन्हीं चीज़ों में आपका फिजूल खर्चा होता है। कभी कभी आप अपने मित्रों पर भी बहुत फिजूल खर्चा करते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि अपने दोस्तों अपना पैसा आप मित्रों के ऊपर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यानी अगर आप अपने मित्रों के साथ कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ आप ये चाहते हैं कि वो भी आपके पैसे से कुछ ना कुछ खरीद लें, तो उसके लिए भी आप तैयार रहते हैं। हालांकि अच्छी बात है लेकिन कंट्रोल करके चलें, आप काफ़ी हद तक ये कर बैठते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि ये अच्छी बात है लेकिन आपको हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए, हाथ रोक कर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि आपके बुरे समय में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता, आपका अपना पैसा ही आपके काम आता है। और जब आपको अपने पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब आप खाली होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद ना करें, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की परेशानी में उसका साथ देते हैं, तो उस हद तक आप साथ दें जहाँ तक मुमकिन हो, इससे आगे आप ना बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया है तुला राशि के लोग जो हैं वो जज्बात में आकर काम कर देते हैं, खर्चे भी जज्बात में आकर कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम से बिना फैसले कर बैठते हैं, बड़े बड़े फैसले बिना सोचे समझे ले लेते हैं। हालांकि ऐसा कभी कभार होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों की खरीदारी एकदम से अचानक से कर लेते हैं, और आगे चल कर क्या होता है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप हमेशा की तरह खाली नज़र आते हैं, और उस समय आपकी मदद करने कोई नहीं आता, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आप सोचते हैं कि काश हमारा पैसा आज हमारे पास होता तो हमारे काम आता। और यदि हम आपके व्यापारिक जीवन की बात करें, नौकरी की बात करें, करियर की, तो देखिए काफ़ी हद तक ये अपने करियर को लेकर आप सीरियस रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है। आपका जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है, ये काफ़ी तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं, और इसके बाद ही आसानी से किसी अपने इंसान को, अपने मित्रों को बहुत जल्दी ही अपनी ज़िंदगी के बारे में आप नहीं बताते, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि आप कोई भी बात जब तक दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, जब तक उसकी कोई ख़ास ज़रूरत ना हो, जब तक उस बात की शेयर करने की कोई ख़ास वजह ना हो। देखिए दूसरों को अपनी टेंशन, अपनी परेशानियां सुनाना आपको पसंद नहीं है, वो बात अलग है कि अगर बहुत करीबी आपका कोई मित्र है तो उसके साथ आप शेयर कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये किसी को भी अपने बारे में बताना उचित नहीं समझते, और दूसरी तरफ इनके अंदर गुस्से की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। जब तक ये शांत हैं तो शांत हैं, जब इनको गुस्सा आ जाता है तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। एकदम से गुस्सा आ जाए, गुस्से में आकर आप अपने किसी खास व्यक्ति पर भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, या आपके घर का कोई सदस्य हो, आपका मित्र हो, इसके बाद में आपको बुरा लगता है और पछतावा भी होता है कि आपने गुस्से में क्या बोल दिया, और काफ़ी माफ़ी मांगने के लिए भी आप तैयार रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा कहें कि इनका आपका चाहे प्रेम का मामला हो या पारिवारिक जीवन का मामला हो, आप हमेशा झुकते आए हैं, कोई भी रिश्ता बचाने के लिए आप हमेशा झुक जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और आपको अपनी गलती का एहसास भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वैसे तो देखिए तुला राशि जो कि ग्लैमर की राशि है, इसी आधार पर ये लोग आज़ाद जीवन जीना पसंद करते हैं, किसी के अंतर्गत काम करना आपको पसंद नहीं होता, और लोग आपकी काफ़ी हद तक आपको धोखा भी देते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि तुला राशि के जीवन में अगर ये किसी को उधार पैसा देते हैं, किसी की मदद बुरे समय में कर देते हैं, और जब ये पैसे वापस मांगने के लिए जाते हैं तो इन्हें उल्टा ही जवाब सुनने को मिलता है कि कहाँ भागे जा रहे हैं, दे देंगे, ऐसा इनको जवाब सुनने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या मेरी बात सत्य है, अगर मेरी बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपने किसी की मदद की थी और वो व्यक्ति क्या आज आपके साथ है, या फिर आपका साथ छोड़कर जा चुका है, या फिर आपको पीठ दिखाता है,
तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जीवन में किसी की भी सहायता करने से पहले उसके बारे में जांच परख जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।